जैसे कि वो साइड से मणि के ऊपर जा रहा है, अक्सर गांव में ये होता है जो पुराने मकान जो पहले बनते थे पहले के जमाने में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में दोस्तों ये पुराना मकान बनता था, अब ये मकान जो है यूज नहीं होता, इसलिए इस मकान को गिराया जा रहा है, गिर भी रहा है बारिश के कारण, और उसके बाद इनका एक छोटा सा मकान बना हुआ है, और यहाँ इसके अंदर जो सांप पहले पाए जाते थे वो जहरीले सांप अक्सर पाए जाते थे, और वही सांप को इस घर के अंदर प्रवेश कर चुका है, और काफ़ी देर से ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं। पहले नज़दीक चाहिए, दिखाते हैं आपको वो सांप है कौन सा, और निकाल के दिखाते हैं आपको। कहाँ इनका यही एक छोटा सा मकान है, और इसी छोटे छोटे मकान में इनका गुजर बसर होता है दोस्तों। तो इसमें इनका पूरा अनाज भी रखा हुआ है, इसी में परिवार सोते भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और इसी के अंदर घर के अंदर कोई काल छिप के बैठा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो साक्षात काल है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से सांप जाना जाता है, जो काफी खतरनाक होता है, और हम सिर्फ बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और आपको दिखा दे। अच्छा, वो साइड से भी होल है, अगर ये साइड से उस तरह से देख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा और करो, फिर आ जाएगा इस तरफ। आ गया। आ जाओ। हाँ आओ, थोड़ा सा और छेड़ो उधर से। आइए, आओ, आ जाओ अब इधर। फिर वही जगह नहीं रहा। नहीं, उससे कुछ नहीं करना। मुड़ती है कोई जैसे कि वो साइड से मणि के ऊपर जा रहा है, और वो साइड से निकालने के लिए जगह नहीं मिला। भैया आप लोग यहाँ से देखते रहिए, ठीक है? हाँ, अंदर है, और फिर से वो अंदर जा चुका है। पन्नी अंदर जा रहा है सर, ये पन्नी पन्नी के अंदर आ रहा है। बड़ी सी लकड़ी कोई चेयर दीजिए यार, मैं कुर्सी देखो, कुर्सी देखो, कुर्सी कोई सीढ़ी है, कुछ सीढ़ी है, वही हिला रहा है ना, वही पे है, इस पे चढ़ना। कोई बड़ी लकड़ी हो, रुको अंदर ही। इधर आया है, ये है, इस मुक्के में आया है। फिर जा रहा है क्या उसी से? मैं कुर्सी दे देता हूँ, इधर ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक जो खतरनाक सांप है, या एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो उस साइड से इस साइड तक पूरा भ्रमण कर रहा है इस घर के अंदर। दिखाओ तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जो काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो जहरीला होता है। ये अपने आप को कम से कम जगह में एडजस्ट कर लेता है। छेड़िए भैया, कहीं डर रहे हैं, वो साइड नहीं जाएगा, घबराइए नहीं आप। ऐसे मत करिए भाई, हमें लगा छड़ी ही गिर गई। ऐसा मत करिए ना, बस ऐसे आप छेड़ते रहिए। हाँ, बस ऐसे। अरे वहाँ डाले के लिए हम नहीं कह रहे हैं, इधर से ऐसे ही से आप करते रहिए। हाँ, बस।
उतारो आराम से। बस आराम से उतार लो। फसाने में दो फसा लेगा फिर डिस्टर्ब करेगा। जैसा कि ऐसा मंदिर जिसको देखने को पहली बार मिला है, एक एक चेयर और दीजिए। तो ये साहब दोस्तों घर के अंदर काल बन के बैठा हुआ है। ऐसी जगह पे रेस्क्यू करना और उन सांपों को निकालना काफी मुश्किल भरा होता है और इस काम को सावधानी पूर्वक हमें करना। और इसे सुरक्षित हम बाहर निकाल लिए हैं। अगर यह सांप किसी को बाइट कर लेगा तो आप लोग क्या करना चाहेंगे? यह सांप अगर किसी को काट ले तो आप लोग क्या करेंगे? बताइए बताइए, खुल के बताइए, क्या करेंगे आप लोग? भागेंगे, अस्पताल देखेंगे और क्या करेंगे? अस्पताल जाएंगे सर। हाँ, यह सांप अगर किसी को काट रहा है, किसी को बाइट कर रहा है, किसी भी परिवार के सदस्य को, किसी भी इंसान को, तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो यह इंसान को पहले फूंक मारता है। यह पहले फूंक के डराता है, इंसान को आगाह कर देता है कि मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ न आइए। जब ये दबता है, इसके साथ कोई छेड़खानी और कोई बदतमीजी होती है, तभी यह सांप इंसान को बाइट करता है। अन्यथा यह सांप बगैर दबे, बगैर छेड़छाड़ के यह किसी इंसान को बाइट नहीं करता। तो इसी के साथ इसी डिब्बे में इसे हम पैक करते हैं, ले चल के आपको रिलीज करते हैं। यह सांप कब देखा गया था भैया? जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसे सुरक्षित डिब्बे में हम पैक कर लिए, क्योंकि हादसा इसी समय होता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इस काम को न करिए, यह काम एक एक्सपर्ट के लिए है। वीडियो को देखकर आपको काफ़ी बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं।